आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज, जहां आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की एक खास खबर उठकर सामने आ रही है। जबलपुर से हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर रघुकुल घराना के द्वारा अखाड़े वाले हनुमान मंदिर में अखंड रामायण पाठ बैठाया गया एवं अखंड रामायण पाठ संपन्न होते ही हवन और महाआरती की गई। महाआरती के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। रघुकुल घराने के लिए कहीं ना कहीं भगवान अपनी सेवा का अवसर प्रदान कर रहे हैं। रघुकुल घराने के द्वारा चैत्र नवरात्र की पूर्णिमा पर हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हनुमान जी को चांदी का छत्र, चांदी की माला और चांदी का मुकुट रघुकुल घराना के द्वारा चढ़ाया गया। इस धर्ममयी कार्यक्रम में महापौर जगत बहादुर सिंह, अन्नु, पूर्व विधायक विनय सक्सेना, प्रीति सक्सेना, पार्षद हर्षित यादव, आशीष शुक्ला एवं विशिष्ट अतिथियों का आवागमन हुआ। इस अवसर पर स्वाति मिश्रा, अनीता दुबे, सिब्बा महक, रंजिता, संगीता, श्वेता, अंजू, सरोज, साक्षी, मालती, सरिता, पूजा, पिंकी, उषा, सीता और बहुत सारी महिलाओं ने सामूहिक रूप से धार्मिक अनुष्ठान में अपना योगदान दिया। जी हाँ, और इसी के साथ इस पे क्या है आपकी राय हमें कमेंट में बताएं। साथ ही ऐसे खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत खुशी की बात है कि रघुकुल घराने की ओर से आज आप देख रहे हैं, जहाँ एक और मंदिर में भविता आप जो आज यहाँ पे देख रहे हैं, सबने महिला शक्ति ने मिल के न सिर्फ छठ चढ़ाया है, पूजा पाठ किया, अखंड रामायण का पाठ हुआ है और उसी के साथ साथ एक विशाल भंडारा जो आप देख रहे हैं ये भी रघुकुल ग्रुप के तरफ से कराया गया है। मैं महिला शक्ति को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इतनी भक्ति और शक्ति के साथ आज यहाँ भगवान का पूजन अर्चन किया है। आप सबको इस मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। बहुत ही हर्ष और प्रसन्नता की बात है कि आज हम यहाँ रघुकुल घराना के लोग जगदीश अखाड़ा मंदिर में एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर चैत्र पूर्णिमा की को हनुमान जी के जन्मदिन पर अखंड रामायण पाठ बिठाला गया था, जिसकी समाप्ति पर आज हवन और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। रघुकुल घराना की सदस्य अनीता दुबे और सबने मिलकर भगवान जी को छत्र, मुकुट और माला चांदी का चढ़ाया हुआ है। ये भगवान जी की हम लोगों पर बहुत असीम कृपा है कि हमें उनकी सेवा करने का इतना मौका मिल रहा है। ये अखंड रामायण हर बार यहाँ बैठती है हनुमान जन्मोत्सव पर, और जो उसकी मंदिर समिति के सदस्य हैं वो हर बार बिठालते हैं। ये हमारा पहली बार सौभाग्य था कि रघुकुल घराना की सारी महिलाओं ने साथ में उनके मिलके ये अखंड रामायण का पाठ कराया और विशाल भंडारे का आयोजन किया। हमारे बीच विनय सक्सेना भैया और प्रीति भाभी भी हैं, सब आए हुए, यहाँ के पार्षद भी आए हुए थे, हर्षित यादव जी, सभी का हमारा ऊपर सहयोग बना रहता है। और विनय भैया और प्रीति भाभी का तो हम लोगों के ऊपर विशेष सहयोग आशीर्वाद है कि हम ये प्रोग्राम करते रहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। आपका नाम और पद? मेरा नाम स्वाति मिश्रा। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।